फिजिकली यजूज माजूज आकर उन सबको तहस नहस कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और यजूज माजूज के बारे में बिल्कुल क्लियर है कि यजूज माजूज के साथ कोई जंग नहीं हो सकेगी, उनको ख़त्म नहीं किया जा सकेगा, वो बल्कि एक ऐसी मखलूक होंगे। इलामा इकबाल का जो आपने शेर पढ़ा है उसके मुताबिक तो देखें, वो इकबाल ने शायर एक अपने शायराना अंदाज में बात करता है, वो जो याजूज माजूज की निशानियों वाली कौम है उनके बारे में तो ये बात पूरी उतरती है, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि वो जो एक्चुअल याजूज माजूज ऐसा मखलूक जो किसी जगह में बंद हैं और वो उसको तोड़ कर निकलेंगे, वो निकल चुके हैं, वो अभी निकलने हैं। वो कब निकलेंगे? वो याजूज माजूज तब निकलेंगे कि जब दज्जाल इस दुनिया में आएगा और अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाने वाले लोग भी और कुफार भी और सब लोग, दुनिया के बहुत सारे लोग, सब लोग तो नहीं, ज़्यादातर लोग दज्जाल को नौज़ुबिल्लाह खुदा मान लेंगे, उसके शोबदे देखकर, उसके दुनियावी जो वो फ़ायदे देगा, नौज़ुबिल्लाह जो दुनिया में लज्जतें लोगों को देगा, लोगों से हमेशा की ज़िंदगी का वादा करेगा और इस तरह की चीज़ें जो उनसे झूठे वादे करेगा, उसके दाव में आकर लोग दज्जाल को खुदा मान लेंगे। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला हम सबको फितने दज्जाल से महफूज रखे। तो फिर लेकिन क्या होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दोबारा तशरीफ़ लाएंगे तो दज्जाल को कत्ल कर दिया जाएगा। अब जब दज्जाल को कत्ल कर दिया जाएगा तो वो नऊज़ुबिल्लाह वो जो सारे लोग खुद उसको खुदा मानने वाले थे वो किधर जाएंगे? वो तो अपनी आंखों से देख लेंगे कि नऊज़ुबिल्लाह उनका झूठा खुदा जो था वो नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला में फितने दज्जाल से और उस तरह के लोगों से महफूज रखे। वो जब अपनी आंखों से देख लेंगे कि झूठा खुदा मर गया है, अब नहीं है, तो अब क्या करेंगे वो? अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी, वो वापस अल्लाह ताला की तरफ लौटने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला से तौबा करेंगे। लेकिन ये वो मामला होगा कि जब अल्लाह ताला की जो है ना वो जो अल्लाह ताला का गज़ब है वो तैश में आएगा, फिर अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल करने से इनकार कर देगा और ये वो मौका होगा जब अल्लाह ताला याजूज माजूज को खोल देगा इन लोगों के ऊपर और फिर याजूज माजूज सबको तहस कर देंगे, मार देंगे ज़मीन के ऊपर, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, मदूद चंद लोग रह जाएंगे। और वो लोग कौन होंगे? जो इमामुल महदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी होंगे और जिन्होंने दज्जाल को खुदा नहीं माना होगा और जो अपने रब के ऊपर, अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाले होंगे और उसके ऊपर मुतज़लज़ल होने वाले नहीं होंगे, उन लोगों, सिर्फ वो लोग बच जाएंगे और बाकी सारे के सारे लोग जो हैं वो फिज़िकली याजूज माजूज आकर उन सबको तहस नहस कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और याजूज माजूज के बारे में बिल्कुल क्लियर है कि याजूज माजूज के साथ कोई जंग नहीं हो सकेगी, उनको ख़त्म नहीं किया जा सकेगा, वो बल्कि एक ऐसी मखलूक होंगे कि देखें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में दज्जाल को कत्ल किया जा रहा है। ऐसा शख्स जिसको अल्लाह ताला ने इतनी ताकतें दी हुई हैं कि वो नऊज़ुबिल्लाह खुदाई का दावा करने में कामयाब हो गया, लोगों को यकीन दिलाने में कामयाब हो गया कि नऊज़ुबिल्लाह वही खुदा है, उसको कत्ल कर दिया गया। लेकिन जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे तो उनको कत्ल करने की, उनके साथ जंग की कोई सूरत नहीं रहेगी। और रवायात के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर पहाड़ों में निकल जाएंगे जहाँ पे अल्लाह ताला की रहमत से उनको वो जगह बता दी जाएगी जहाँ पे याजूज माजूज की रसाई नहीं हो सकेगी और फिर वहाँ से दुआ फरमाएंगे। फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों में कोई बीमारी मुसल्लत फरमा देगा जिससे वो सारे के सारे मर जाएंगे, यानी उनके साथ कोई जंग नहीं हो सकेगी, उनको ख़त्म नहीं किया जा सकेगा, वो एक ऐसी मखलूक होंगे। और वो वाकई बिनकुल हदब यंसलून कोई सिंबॉलिक नहीं है कि वो हर ऊंची जगह से आ रहे हैं, हर पोस्ट के ऊपर उनका है और हर पावरफुल चीज़ के ऊपर उनका है, वो तो है ही है, लेकिन फिज़िकली भी वो जंप ऐसे करेंगे और इतने पावरफुल होंगे कि वो जंप करके ऊपर आसमान में जाएंगे और ऐसे लगेगा कि वो ऊपर से गिरते हुए आ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें याजूज माजूज के फितने से महफूज फरमाए, अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए, अल्लाह ताला हमें हमेशा तौहीद के ऊपर कायम रखे, हक के ऊपर कायम रखे, अहले हक में से रखे, अहले बातिल से बचाए। और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे बातें हैं, बहुत ज़्यादा फितनों की बातें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी की बातें हैं और ये कोई कैजुअल लेने का वक्त नहीं है, ये बहुत करीब आ चुकी हैं बातें। और हम में से पता नहीं कौन उस वक्त में होगा या नहीं होगा, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको फितने दज्जाल से महफूज फरमा और याजूज माजूज के फितने से महफूज फरमा। और या अल्लाह जब दज्जाल आए तो या अल्लाह हम हक वालों में से हों, या अल्लाह हम
दज्जाल के मुखालफत करने वाले मसीह हों, या अल्लाह हमें दज्जाल के हवाले ना करियो, या अल्लाह हमें यजूज माजूज के हवाले ना करियो, या अल्लाह हम इस बात को पसंद करते हैं कि हम तेरे रास्ते में कत्ल कर दिए जाएं, हमारे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएं, हमारे बच्चे माँ बाप कुर्बान कर दिए जाएं, हमें ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन या अल्लाह तेरी तौहीद के अंदर और तेरे साथ किसी को हम शरीक ना करें, सिर्फ तुझे मानने वाले रहें और तेरी मोहब्बत में तेरी याद में या अल्लाह हम इस दुनिया से जाएँ। और या अल्लाह यही हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है और हम आखिरी दम तक यही दुआ करते रहें, यही दुआ करते रहें, यही तुझसे मांगते रहें, यही तुझसे वादा करते रहें कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और हमें या अल्लाह तौफीक दे के हम तुझसे हुब्बन शदीदा करें, और या अल्लाह तू भी हमसे हुब्बन शदीदा कर, और हमें हमसे या अल्लाह हमारा हाल इबलीस वाला ना करियो। या अल्लाह वो इबलीस ही था ना कि तेरी इबादत में इतना आगे चला गया, इतना आगे चला गया, इतना आगे चला गया कि मुकर्रब फरिश्तों में शामिल हो गया, लेकिन या अल्लाह वो ऐसी गलती और ऐसा तकब्बुर कर बैठा कि तेरी दरगाह से गिरा दिया गया, और उससे गलीज, उससे बदतरीन और उससे ज़्यादा गज़ब का शिकार कोई मखलूक नहीं है। या अल्लाह हमें उसकी तरह ना करियो, या अल्लाह हमें हक वालों में से रखियो, हक के साथ रखियो, और तौहीद का प्रचार करने वाला और तौहीद को मानने वाला रखियो। अल्लाहुम्मा इन्ना नाऊज़ुबिका नुश्रिका बिका शैं व नअलम व नस्तग़फिरुका लिमा ला नअलम।